मैं एजुकेशन लोन ले पढ़ाई कर रहा था और मेरे लिए लाइफ में पहली प्रायोरिटी थी कि एजुकेशन लोन को खत्म किया जाए अपनी फैमिली को देखा जाए दो से ढाई साल जॉब के बाद मैंने पूरा मूड बना लिया कि मुझे इस फील्ड को छोड़ कर मुझे सिविल सर्विस की तरफ मूव करना है उसी दौरान क्या हुआ कि मैं दो तीन अटेम्प्ट आई एस का दिया लेकिन एक नंबर दो नंबर से मिस मिसिंग होता रहा मैं रामकृपाल स्कूल इन पोलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ललित नय मिता यूनिवर्सिटी दरभंगा से हूँ बचपन से ही एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के नाते भी मुझे अच्छे शहर में पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन लेकिन फिर भी मैं साइंस और मैथ में बहुत अच्छा था और बचपन से मेरी एबिलिटी थी कि मैं हमेशा खुद से पढ़ के समझ सकूँ और यही मेरे लिए मेरे लाइफ में आगे भी ये मुझे बहुत हेल्प किया जब ट्वेल्व की बारी आई तो उस टाइम मेरे सामने दो विकल्प थे क्योंकि साइंस भी मेरा उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना मेरा आर्ट स्ट्रॉन्ग था लेकिन मुझे फिर आगे इंजीनियरिंग की मेरे दिमाग में आया कि मैं मैं इंजीनियरिंग करूँ क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद जॉब जॉब जल्दी मिल जाएगी और जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है फैमिली की बेसिक फैमिली की मिडिल क्लास फैमिली की उसमें शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ उसके लिए मैं दरभंगा आया एम कॉलेज से यहाँ पे मैंने टेन प्लस टू किया और यहीं से जब ये टेन प्लस टू के दौरान ही मैं फिर आईआईटी आई का उस टाइम एग्ज़ाम होता था आई आई टी का एग्ज़ाम होती थी उसमें मैंने फिर अपियर हुआ अच्छे रैंक्स नहीं आए तो मैंने फिर वेस्ट बंगाल जे के थ्रू दुर्गापुर से इंजीनियरिंग किया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला एक साल के बाद कि मेरा तो इंटरेस्ट सिविल सर्विस की तरफ है क्योंकि मैं फाइव और सिक्स क्लास से ही न्यूज़पेपर पढ़ता था और सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें में मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट थी और करंट अफेयर से भी जो कंटेम्प्रेरी इशू है इसमें भी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मेरा रुझान वहाँ मैं लाइब्रेरी में तीन चार घंटा एक्स्ट्रा टाइम भी देता था पूरा दिन बैठे हैं लेकिन वो था कि प्राइवेट कॉलेज होने के नाते वहाँ पर लाइब्रेरी में अच्छी वहाँ पे व्यवस्था मतलब बुक का ये नहीं था सिविल आ, सिविल सर्विस रिलेटेड बुक नहीं थी जिसके कारण ये हुआ कि मुझे बहुत हद तक मतलब वहाँ पे हेल्प नहीं मिल पाया और जब मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से कंप्लीट किया तो मेरा टोटली मतलब मैं टोटली चेंज हो गया था कि मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना है लेकिन मेरी दो जगह कैंपस प्लेसमेंट हुई थी तो मैं गया ज्वाइन किया लेकिन उसी टाइम अन्ना मूवमेंट पीक पर चल रहा था तो मैं फिर जॉब छोड़ के भाग गया और वहाँ पर पारिवारिक ज़िम्मेवारी को छोड़ते हुए क्योंकि मैं एजुकेशन लोन ले पढ़ाई कर रहा था और मेरे लिए लाइफ में पहली प्रायोरिटी थी कि एजुकेशन लोन को ख़त्म किया जाए अपनी फैमिली को देखा जाए लेकिन मैं उन चीज़ों को भी इग्नोर करके मुझे लगा कि शायद सोशल और पॉलिटिकल के से जैसे जे पी वूमेन के बाद संपूर्ण क्रांति के बाद ये दूसरा मौका है शायद ये मौका चूक जाएगा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि तीस साल तक कोई आंदोलन देश में ना हो तो किसी अच्छे कॉज के लिए यदि शुरू किया गया है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और यूथ का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर ये आंदोलन कैसे होगी तो मैंने बस बिना बिना कुछ सोचे समझे मैं डायरेक्ट दिल्ली ऑफिस मैं संपर्क किया और वहाँ पे जा कर के मैं ज्वाइन कर लिया घर में मैं तीन महीना बाद बताया घर में क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स के पापा मेरे वहाँ पे टीचर हैं अभी और सिंग, आ, सिंगल चाइल्ड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है लेकिन जब मैं तीन महीना बाद बताया कि मैं एक आ, सोशल पोलिटिकल वर्क में आ गया हूँ अन्ना मूवमेंट में आ गया हूँ तो वो लोग बहुत दुखी हुए हैं लेकिन मेरे ऊपर कुछ उतना प्रभाव नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में छः से सात महीने के अंदर मैं अपना अच्छा अच्छा पोजीशन वहाँ पे होल्ड किया बाद में पार्टी की फॉर्मेशन हुई उसमें भी अच्छे पोजीशन पे मैं तब मैं आ गया और मुझे उसी दौरान मुझे जम्मू कश्मीर बिहार झारखंड तीन स्टेट से मुझे कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला डिफरेंट बैकग्राउंड से आई लोग से मिलने का मौका मिला इससे मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिली और मुझे लगा कि अपने लिए जीने से बेटर है कि समाज के लिए भी जिया जाए और कुछ उसमें अपना योगदान हम दे पाएं तो बेटर होगा कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक डेढ़ साल लगा टाइम उसके बाद मुझे लगा कि सोशल और पोलिटिकल चेंजेज कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जो मिनटों में सेकेंड में ये रिएक्शन हो जाए इसमें टाइम लगेगा दस साल लगती है सतम मतलब सौ सौ साल भी लग सकता है तो मुझे लगा कि नहीं मैं शायद कुछ भावनाओं में बह गया और थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके मैं फिर अपने टेक्निकल जॉब की तरह टाटा -टा टेली सर्विस ज्वाइन कर लिया और उसी दौरान मैं फिर कोचिंग भी ज्वाइन किया आई के लिए और साथ में दोनों मैं जॉब के साथ वो पैरल किया दो से ढाई साल जॉब के बाद मैंने पूरा मूड बना लिया कि मुझे इस फील्ड को छोड़ करके मुझे सिविल सर्विस की तरफ मूव करना है और सिविल सर्विस की तरफ जब मैं मूव उसी दौरान क्या हुआ कि मैं दो तीन अटैम्प्ट आई का दिया जो कि अपडेटेड सिलेबस 2013 के बाद सी साइट जो लागू हुई थी जी एस और सी साइट के बाद तो उस सिलेबस में काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी बदल चुका था उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला और उसी के साथ मुझे लगा कि शायद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट रूप में टफ़ हो जाएगा तो मुझे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रखनी चाहिए इसके लिए मुझे आ, मतलब कुछ आ, और अच्छे मटेरियल की जरूरत थी तो मैंने इग्नू में एम के लिए ज्वाइन किया ताकि कि मुझे आगे फर्दर एकेडमिक में भी चांस मिल जाए और मेरे पास मटेरियल भी आ जाए क्योंकि इग्नू की बहुत ही स्टैंडर्ड मटेरियल होती है जब मैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिया था उसी टाइम मैंने यू जी नेट का फॉर्म भर दिया और मुश्किल समझ लग रहा है कि शायद एक मंथ मैं सही से पढ़ाई किया हूँगा क्योंकि उस टाइम जॉब मैं छोड़ चुका था और फिर कैरियर के अदर अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं ट्राई कर रहा था तो मेरे पास टाइम का भी अभाव था और साथ में इग्नू का भी पढ़ना था लेकिन मेरा उस पर नेट हो गया उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और क्यों हुआ इसका ये कारण है कि कोई तुक्का नहीं था क्योंकि मेरी जो तीन साल की पहले की जर्नी थी आई की जो आ, सिविल सर्विस की पढ़ाई थी उसमें पॉलिटी आ, पॉलिटी जो पढ़ना होता है और हिस्ट्री पढ़नी होती है ना उसने काफ़ी मुझे मुझे हेल्प किया और मैं बचपन से ही जो मतलब पेपर पढ़ने की आदत थी और कंटेम्प्रेरी इशू से अपडेट होने की आदत थी बी न्यूज मैं दो से सुन रहा हूँ कंटिन्यू हर दिन तो ये सब चीज़ें वहाँ मुझे हेल्प किया इसीलिए मैं यहाँ पे जो यू जी नेट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बोलूँगा कि आप डेली कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें मंथली मैगज़ीन एक पढ़ें और साथ में अपने आप को अपडेट रखें कि आपके चारों साइड जो भी चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं या आपके राज्य लेवल पर हो रहे हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हो रहा है कोई चेंजेज आ रहे हैं उससे आपको अपडेट रहना है वो सब आपको ऑटोमेटिक आपको पेपर में हेल्प कर देगा उसके बाद जब मेरा नेट हो गया तो मेरे पास तो ये था लेकिन नेट के बाद फिर जो अभी प्रोफेसर बनने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो क्राइटेरिया थी उसमें क्या था कि आपको पीएचडी के वेटेज थर्टी पॉइंट्स मिलते हैं हंड्रेड में वो तो मेरे पास था नहीं तो उसके लिए मुझे पी करनी थी लेकिन वो तो उसके लिए फिर तीन साल लगता तो एट मतलब एट ए टाइम मुझे जॉब की बहुत सख्त सख्त ज़रूरत थी तो मैंने वहाँ पर यू मतलब टेक्निकल तो मैं छोड़ चुका था तो जितने भी आई कोचिंग है दिल्ली में उसमें मैं अपना ट्राई करना कंटेंट राइटिंग के रूप में ट्राई करना शुरू किया और जब वहाँ शुरू किया तो मुझे बैजूज आई में ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका था तो वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई कर गया और बैजूज के जो हैड हेड ऑफिस बैंगलोर में है वहाँ पे जहाँ बैजू रविंद्रन सर हेड बैठते हैं उस भी ऑफिस में मुझे अपॉरचुनिटी मिला एज ए आई में कंटेंट कंटेंट डेवलपर और मेंटर के रूप में क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम बैजूज क्या कर रहा था कि अपना कैट की तरफ से शिफ्ट करके यू की तरफ मूव कर रहा था और अपना फर्स्ट हिंदी में लॉन्च किया था कोर्सेज तो हिंदी बेल्ट के जितने भी बच्चे थे तो मुझे मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो बहुत रूरल क्षेत्र से खासतौर पे बिहार यूपी के क्षेत्र से हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग वहाँ वहाँ फ़ोन करते सर मैंने तो परचेज़ कर लिया पचास हज़ार के कोर्स ले लिए ये कोर्स ले लिये इतना पैसा लग गया लेकिन सर मुझे समझ ही नहीं आती है ये प्राचीन भारत में ये क्या है मोहन जोधर क्या है ये क्या है तो उनको फिर क्या होता है रैंडमली उस टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं तो पहले ही तीन अटैम्प्ट दे चुका था तो ओवरऑल मुझे सिलेबस की जानकारी थी कौन चैप्टर कहाँ है कौन कहाँ से पूछ रहा है इतनी तो मुझे समझ थी लेकिन वो डेप्थ मतलब कि कोई स्टैंडर्ड बुक उठा करके वो पढ़ रहा है उसे समझ में पूछ दिया तो एट ए टाइम उसे रिजॉल्व करना होता था तो कुछ ही दिनों में मुझे इतना समझ में आने लगा कि बच्चे की क्या है कि बस पढ़ने के लिए कंपटीशन के लिए तो आ गए हैं लेकिन वो बेसिक बुक की उनकी जानकारी नहीं है तो उनको फिर सजेस्ट करते थे कि आप सिक्स टू ट्वेल्व एन पढ़िए और बाकी कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए और मेरा जो ओवरऑल साइंस रहा फिर इंजीनियरिंग रहा फिर इंजीनियरिंग के बाद जा करके हम आर्ट में आ गए तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि साइंस हो आर्ट हो मैथ हो सबसे पहले है कि उनकी थ्योरी की समझ आपकी होनी चाहिए जितना सोशल साइंसेज में है वैसे ही साइंस और मैथ में भी है क्योंकि तो बुक के हर एक चैप्टर में आप देखते हुएगा कि तीन चार दस पेज पाँच पेज इस तरह से पेज में पूरी थ्योरी रहती है और आजकल के बच्चे को हम यहाँ ऑब्जर्व किए हैं कि वो बच्चे क्या करते हैं कि बस अभ्यास मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं और टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पे होता है कि जब आप किताब में सब चीज़ें लिखी हुई है तो पब्लिशर है या राइटर हैं बेवकूफ थोड़ी है कि आपके लिए मतलब दस पेज बर्बाद कर रहा है एक्सरसाइज पर आप आ जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी मुझे एजुकेशन सिस्टम में अभी लग रहा है दूसरी चीज़ ये पता लगा कि बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि साथ हैं उनके अंदर डर है सिविल सर्विस को लेकर के यूजीसी नेट को लेकर क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और मैं जे एन या शहर से कंपेरिजन है नहीं ऐसा नहीं है उसमें टैलेंट है लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है और खुद जब आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो आपके दूसरा कौन करेगा विश्वास और तीसरी बात ये थी कि गार्जन का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सोसाइटी की बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो आप जैसे मेरा ऐसा मानना है कि आप जैसे ताला लॉक करके चाबी किसी और को दे दिए हैं या जैसे इसी रूम में है कि फ़ैन चल रही है तो फैन का चाबी आप किसी और रूप में बटन दे दिए हैं अब जब सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स करता है या बटन दबाता है तब तभी फ़ैन चलती मतलब आप दूसरे के हाथ में चाबी दे करके आप खुद खुद कंट्रोल हो रहे हो नहीं अपनी चाबी आप अपने पास रखिए आपको खुद अपने पे यदि विश्वास है तो कुछ भी पाया जा सकता है मेरा पाँच से छः बार मैं नेट में लगातार बैठा जे के लिए लेकिन एक नंबर दो नंबर से मिस मिसिंग होता रहा क्योंकि मैं लगातार जॉब में रहा ट्रैवलिंग करते रहा लाइफ में बिजी रहा और एक दो नंबर से मेरा जे नहीं हुआ लास्टली मेरा लास्ट टाइम फरवरी में आ, दो हज़ार में नेशनल फेलोशिप फॉर ओ में मेरा सलेक्शन हुआ अब हम आते हैं कि यू नेट की सिलेबस पर आते हैं तो इनका बेसिकली पेपर वन और पेपर टू है पेपर वन में दस यूनिट है और पेपर टू में भी दस यूनिट है जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है उनके लिए बड़ी टफ हो जाता है और वो लगातार दस साल से प्रयास कर रहे हैं फिर भी उनका नेट नहीं निकलता है मैंने जहाँ तक अनुभव किया कि उसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यदि आपको जोर घटाओ गुना भाग औसत आ रही है तो आपका नेट तो निकल ही जाएगा पेपर वन इतना भी टफ़ नहीं है और और दूसरी रिकमेंडेशन मेरा ये है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एरे गहरे इंस्टीट्यूट के नोट मत पर हैं कोई स्टैंडर्ड एक नोटबुक ले जैसे अरिहंत हो गई पियर्सन पब्लिकेशन की होगी एक बस गाइड सिंगल सोर्स लिमिटेड सोर्स रखनी है उस बुक को बार बार पढ़िए थ्योरी पहले क्लियर करिए फिर आप प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करिए आपका नेट जी आर एफ स्योर श्योर हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम है चाहे वो सी जी एल एग्ज़ाम से लेकर के आई एस एग्जाम की बात हो आई आई टी की बात हो यू जी सी नेट जी आर एफ की बात हो सारी एग्ज़ाम में क्या होते हैं ना सबको प्रेशर होता है और वही है सबके लिए फॉर्मूला सेम है बेसिक बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बेसिक्स को क्लियर करिए जो आपकी कमी है उसे अभी समझ मारे तो अभी उसे दूर करिए और कोई भी आप एग्जाम इजी वे में निकाल सकते हैं थैंक यू से एक सब्सक्राइब करूँ लाइक करू जत्ते से उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा तो अब सुनने ला बस बनल रहूँ